हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय न्यू रिएक्शन चैनल। और इस चैनल के थ्रू हम रिएक्शन देखेंगे, वीडियो देखेंगे। और सबसे पहला जो मेरा ये रिएक्शन चैनल का जो वीडियो है वो मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं सौरभ जोशी के ऊपर ये शूट कर रहा हूँ। सौरभ जोशी के एक अभी नया व्लॉग आया था, उसके अंदर उन्होंने प्लेग्राउंड हाउस टूर करके एक वीडियो डाला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, रूल्स हैं इनके, रूल्स हैं इस घर में रहने के। रूल्स जैसे गाइस मैं देख रहा हूं ना, चारों तरफ कैमरे कैमरे लगे पड़े हैं। देखो यहाँ पे कैमरा, एक और शो है उधर कैमरा, प्लेग्राउंड हाउस करके। तो उसके अंदर भी सब जैसे सभी जगह कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और पार्टिसिपेट करते हैं सभी यूट्यूबर्स हैं। और काफी सौरभ जोशी जो है वो मुंबई गए हैं। मैं तो रेडी हो गया लेकिन पीयूष अभी तक उठा भी नहीं है। पीयूष उठ जा भाई। क्या क्या सेटअप कैसा होता है उस हाउस का सेटअप है, कैमरे क्या क्या लगे हुए हैं, क्या करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सौरभ जोशी व्लॉग जो है। अभी गाइस हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बिकॉज लेट हो चुके हैं ना, तो वहीं पे कुछ खा लेंगे। वैसे ब्रेकफास्ट था यहाँ पे हमारा लेकिन लेट हो गया भाई। तो अभी गाइस हमारी गाड़ी आगे, सामान डालते हैं, चलते हैं। मुझे ही खोलना पड़ता है इसके लिए। जय बजरंग बली। तो आज हम जाएंगे अंकल जी के साथ में। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। तो हमको मिली यहाँ पे वैनिटी। यू सी, ये हमारी वैनिटी है। सारी लाइट्स ऑन कर दे, सारी लाइट्स, हाँ जगमगा दे पूरा। लाइट्स बहुत जरूरी है। आज पहली बार हमको वैनिटी मिली है। तो कुछ स्टेप किया देखो, यहाँ पे मिरर है, यहाँ वॉशरूम है, एसी है, बैठने के लिए सोफा है, यहाँ पे एक सोफा है। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, बिकॉज़ सुबह बिना खाए पिए आ गए थे ना। तो कुछ खाएंगे फिर चलेंगे सेट पे। तो गाइस जिनको नहीं पता ना, वहाँ पर जो सेट है उसमें घर है और वहाँ पर सारे कंटेस्टेंट रहते हैं और वहाँ पर मतलब कैमरे वैमरे लगे हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर मस्त गेम भी खेलते हो सब, वहाँ पर चैलेंजेस वगैरह होते रहते हैं। तो भी गाइस मेरे कपड़े तो चेंज हो गए, ये मैंने बस फीमेल जैकेट डाल लिया। तो फिलहाल चाय आ गई, चाय पीते जल्दी से। तो जाने से पहले खाना खा लेते हैं, बिकॉज़ सुबह भी कुछ नहीं खाया था ना, चाहे चावल रोटी सब्जी आके। तो हमने एक ही प्लेट ले ली, एक प्लेट में दोनों खा लेंगे क्योंकि कम खाते हैं। तो भी गाइस आ चुका है मस्त नारियल पानी, ताजा ताजा। तो भी गाइस टाइम आ चुका है फाइनली घर में जाने का। तो ये गेट है, यहाँ से हम जाएंगे अंदर और पूरा हाउस टूर दूंगा आपको अच्छे से। आर्केड घर नहीं, आर्केड, तो इसको बोलेंगे हम आर्केड। हेलो हेलो, कैसे हो सर? इसको बंद रखेंगे हम लोग, देखो क्योंकि इस घर के अंदर जो आ गया वो नजारा कई बार। कैसा लग रहा है आपको ये फर्स्ट एक्सपीरियंस? अगर मैं पूछूं कैसा लग रहा है? भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, तो पहली बार दिख रहा है। पहले मिलना तो भूल ही गए यार। आप बोल रहे हो पहली बार देखा, मैं बता रहा हूँ ये तो पहला ही रूम है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है यार। डेफिनेटली। सो बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि नो क्या होता है। प्लेग्राउंड जो हमारा है उसका सेकंड सीजन ही हमारा स्टार्ट हो चुका है। गेमर्स, एंटरटेनर्स, हर कोई एक दूसरे के साथ रहता है यहाँ पर। हर टीम में पांच टीम्स हैं, पांच मेंटर्स हैं, हर टीम में चार चार प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। इस घर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ये है कि आपको एक इंटरनेशनल प्लेयर लेना है, एक प्रो गेमर लेना है, हर चीज है, गेमिंग कैमरा, मूविंग कैमरा, उस तरीके से आप उठा सकते हो। मेंटर्स आशीष, हर्ष, ये सब लोग मेंटर्स थे, और पुराने स्काउट, ट्रिगर, ये सब लोग मेंटर्स से कैरी। सो उनको अब यहीं पर रहना है पूरे घर में, और आप देख सकते हो पूरे घर के अराउंड जो बेसिक रहता है स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार। And अगर आप यहाँ करके देखो, सोचो ना कितना ज्यादा बढ़िया है भाई। ये क्या है, ये इसके अंदर ये लाइट्स? हाँ ये लगाई हुई है, ये शीशे के नीचे लाइट्स प्रॉपर करके लगाई हुई है। एंड दिस जस्ट लुक्स वेरी वेरी गुड राइट। ऑब्वियसली हल्का फुल्का यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वो कर रखा है, उसको हम क्या ही कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये रूल्स हैं। अच्छा रूल्स हैं, इनके रूल्स हैं कि इस घर में रहने के रूल्स, इस घर में रहने के रूल्स हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इनको रखा हुआ है, पता है पेनल्टीज पड़ती है अगर कोई रूल नहीं मानता तो। अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। उसके बाद खाना वाना खाना हो वहाँ खा सकते हैं, तो यहाँ खा सकते हैं आराम से। अच्छा ये डाइनिंग टेबल, प्रॉपर डाइनिंग हो गया इनके लिए, जस्ट चिल करने का जोन हो गया, लोग बैठ रहे हैं, दोस्त हो गए, बात कर रहे हैं, सब चीजें। और गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे पड़े हैं, चारों तरफ कैमरे। ये देखो यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कैमरा, उधर कैमरा, इधर कैमरा, और ये देखो कैमरा कैमरा देखिए, और कैमरा मूव भी कर रहा है। हाय हाय, कट मत करना, कट मत करना इसको, देखो कैमरा मेरे साथ में मूव करेगा। हाय इसके नीचे आ जाऊंगा, नीचे भी आ जाएगा क्या? अरे सो ये तो देखो पहला रूम हो गया। ओके राइट, अब आपको एक ऐसे रूम में लेकर के चलता हूँ जहां पर इन लोगों के साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ। ये है हमारा आर्केड भाई, यहाँ पर एक्टिविटीज करवाई जाती है इन लोगों से। हर दिन कोई ना कोई टास्क होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। आज भी टास्क करवाया था। हाँ, हाँ, वो मैंने देखा था। तो बहुत नेक्स्ट लेवल था, बहुत नेक्स्ट लेवल, जो कि इन लोगों से करवाए जाते हैं। और ये लोग यहाँ पर बैठते हैं, मैं यहाँ पर खड़ता हूँ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मार्किंग है, मैं यहाँ पर खड़ता हूँ और मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ। सारे कैमरास प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं।
एक नंबर चीज होती है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक बहुत बढ़िया रूम में, क्योंकि जैसे आप इधर का रूम देखा ना, ये आप देख सकते हो कि इधर की साइड पे एक प्रॉपर रूम आता है अपने पास। कुछ भी खाना पीना वो सब चीज रहती है, अब ये लोग काम करें तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आपको पता है इन सब लोगों ने अपने लिए रूम्स कैसे निकाले हैं? हर जगह इन सब के मेंटर्स को एक टास्क दिया गया था और उसके बेसिस पर जिसने सबसे ज्यादा सही तरीके से किया उसको सबसे बेस्ट रूम मिला। हमारे पास 5 रूम्स हैं, उनके ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा, चलते चलते बात करते हैं। सबसे बेस्ट रूम जो है ना, उसकी फैसिलिटीज लाजवाब है। सोचो आपको सुबह एक बटलर उठाने आकर एक बालकनी या लैविश ओशन व्यू के साथ। अच्छा, ओशन। लेकिन जो सबसे खराब रूम है ना, उस पूरे रूम में सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट है। ऑल्दो फोन अलाउड नहीं है, लेकिन एक चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक चीज। और फोन अलाउड नहीं है? नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है गाइस। इस घर में 20 लोग रह रहे हैं बिना फोन के, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है बस। सो ये है हमारे थोड़े खराब रूम में से एक रूम, ये है नूब रूम। नूब रूम, ओ भाई। नूब रूम दो ऐसे रूम्स हैं जिसके लिए कैरी मिनाटी और स्काउट ने पुशअप कंपटीशन किया था। ओके, स्काउट ने किए थे 52 पुशअप्स और कैरी ने किए थे 47 पुशअप्स। खराब रूम जिसको मिला वो है कैरी, क्योंकि उन्होंने सबसे कम पुशअप्स किए थे। ये है एक्चुअली स्काउट बैगर रूम, कैश भी है, गेम्स वगैरह एक्चुअली खेली जाती हैं। इनके ऊपर नजरें प्रॉपर में, एक दो कैमरे ही कैमरे भाई, कुछ भी हो जाए इनके ऊपर नजरें हैं। इनका सामान रखा हुआ है ऑब्वियसली। ओके, सबका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, और सुबह इनको अलार्म बजता है तो यहाँ से ऐसे आवाज आती है, 8 बजे इनको उठना ही उठना है। अलार्म के लिए देखो गाइस, अलार्म के लिए देखो गाइस, कितना बड़ा स्पीकर है यहाँ पे। ये अगर ये लोग टाइम पे नहीं उठे तो पेनल्टीज पड़ती है, तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1 पेनल्टी दिखाता है। ये देखो, ये देखो। अब हम जाएंगे सबसे खराब रूम में, सबसे खराब। तो ये कैरी भाई का है, ये कैरी। अच्छा, और यहाँ पर पिछले साल के विनर अयान अली रिबेल, हाँ, वो भी रह रहे हैं, क्योंकि वो कैरी की टीम। एग्जैक्टली, वो कैरी की टीम में थे, वो कैरी की टीम में थे। और लेकिन उनको सोचो ये वाला रूम मिला है। आप देख सकते हो जो गेमर ऑफ द डे है उनके लिए भी अवार्ड्स और प्राइजेस ये सब है, ट्रॉफी भी मिलती है जो गेमर ऑफ द डे जीतता है डेली। हाँ, डेली एक बार टच करो, क्या बढ़िया प्यारी सी ऐसे ट्रॉफी है, एकदम प्रॉपर। ओ भाई, सो ये छोटी मोटी चीजें जो कि यहाँ पर मिलती रहती हैं। सो ये डेली मिलता है, ये डेली बंदे को जी डेली 10,000 के। तो यहाँ भी सारा सामान पड़ा हुआ है कैरी भाई के, सारे प्लेयर्स का। तो यहाँ पे 4 जने सोते हैं, देखो यहाँ पे ये वाले बेड है, ये थोड़े खराब बेड है इन द सेंस कि यू नो बंकर करके आपको अपनी प्राइवेट स्पेस उतनी नहीं मिल पा रही है। चलो भाई और ऊपर चलते हैं। ट्रिगर्ड भाई के रूम का नाम है रीलोड, उसके ऊपर तो आते हैं बॉस। और सबसे बेस्ट जो कि आशीष की टीम को मिला केओ क्रैकर्स को, वो है गोट, ग्रेट एनपीसी। ओके, एनपीसी या अगर प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं कुछ भी तो वो हो जाते हैं नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, जो दिल की धड़कनें तक सुनाई दे जाएं, उतना टेंस माहौल रहता है यहाँ पे। ये है सबसे बेस्ट रूम, आप सर्विसेज देख रहे हो बेस्ट रूम की। सबसे ये वॉशरूम, वॉशरूम सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी स्पेस। वो आपने देखा ना अभी सबसे खराब रूम कैसा था, यहाँ पे बेड्स भी सही है, बेड सही है। एक बटलर आता है सुबह और आप लेजिट आपके कान में प्यार से बोलता है गुड मॉर्निंग। अच्छा, बालकनी भी है सिर्फ इस एक रूम में, सिर्फ एक रूम में बालकनी है। तो ये बालकनी है और यहाँ से मस्त मुंबई का व्यू दिखता है। देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार। तो ये आशीष भाई का रूम है, ये आशीष भाई और उनके लोग, आप चीजें देख रहे हो यार, मसाज करने के लिए रखा हुआ है, पैरों को मसाज देने के लिए, मतलब कोई कमी नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए। अगर इसके लेकिन एक और रूल है बहुत अलग सा, एक हफ्ते बाद वापस शफलिंग हो सकती है। आपने देखा जैसे सिर्फ उसमें ही बालकनी आ रही है और किसी में सब जगह बंद है, तो उसको एक प्रिविलेज है। ये है बॉस, 90 से ऊपर बॉस रूम। ये किसका है? पूरे 90 से ऊपर नंबर जो कि आए थे हमारे हर्ष भाई, हर्ष बेनीवाल। हाँ, ओके, तो हर्ष भाई का रूम है ये। और भाई बाकी तो सब बैचलरों की तरह ही रखा हुआ है सबने सामान। सारा सामान बिखरा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ जैसे रहता है। अब मम्मी आया नहीं कि साफ करें या ठीक करें, तो खुद ही करना पड़ता है, आपको खुद करना। गेमर्स है ना, खाना आपको नीचे वहाँ किचन के अंदर कोई एक इंसान आता है वो चीजें रख देता है और चले जाता है। ये है बीच का रूम, विच इज रीलोड। ये एग्जैक्टली बंकर बेड नहीं है, बस एक थोड़ा सा ऊपर है एक नीचे है, बट डिफरेंट डायरेक्शंस में। बट आप एक चीज सोचो, अगर इन लोगों को फोन अगर हम अभी दे दें, फोन में ही लग जाएंगे, राइट? एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, वो वाली सिनर्जी नहीं बढ़ाएंगे जो गेमर्स को चाहिए होती है। तो दोस्तों ये थी सौरभ जोशी के, सौरभ जोशी व्लॉग्स था, जिसमें ये मुंबई गए हैं, दिल्ली से मुंबई गए हैं, जो एक जैसे
बिग बॉस होता है ना उस तरह से उन्होंने एक गेमर्स का एक वो बना रखा है जिसमें फोन अलाउड नहीं है, 20-25-26 दिन वो ऑनलाइन गेम खेलेंगे। तो इस तरह का ये सेटअप देखने गए थे। तो आज ये आपका आज था रिएक्शन वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर मुझे जरूर बताइएगा और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलूंगा ऐसे ही बहुत नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तो बहुत मजा आने वाला दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे भी और आपको भी मजा आने वाला है, बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।